आज मैं आपको बताने वाला हूं एक पेशेंट की स्टडी कि हिस्टेरिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, दिमाग के ऊपर लोड आने से शारीरिक बीमारी कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। पेशेंट है हिस्टेरिया का। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में कलम प्रैक्टिस करता हूँ। एक करीब करीब 50 साल का व्यक्ति कल मेरे हॉस्पिटल में लाए, रात को 10 बजे लाए, और उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि शाम को 5 बजे से, मतलब कल की बात है, शाम को 5 बजे से पूरा बदन हिल रहा है, ऐसा पूरा खलखल 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 ऐसा हिल रहा है। उसका मैं वीडियो आपको बताता हूँ, जरा देखिए वीडियो। ये तो ऐसा ही हिल रहा है और उसको घबराहट भी हो रही है। घर के सब लोग घबरा गए कि पैरालिसिस का अटैक है कि फिट आ गई है, क्या हो रहा क्या है। अच्छा, उसको कॉन्शियस था, मतलब होश में था, खाना पीना उसने पूरा बंद कर दिया। 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे पास में जब आए तब तक उसने कुछ खाना पीना नहीं किया था और कंटिन्यूस हिल रहा है, और सब घर के लोग परेशान कि क्या हुआ क्या। जब 10 बजे रात को लाए तो हमको तकलीफ कि भाई ये कोई ड्रग की रिएक्शन है क्या, कोई दवाई लिया है क्या, हमने पूछा, क्योंकि कोई दवाई जब लेते हैं तो उससे फिर ये पूरा बदन हिलता है, तो कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है क्या, बोले दवाई भी लिया है नहीं कुछ। अच्छा, टेंशन क्या है, टेंशन भी कुछ नहीं, फिर हुआ कैसे वो भी नहीं बता रहे। अभी हमारे पास में सुना था कि 50 साल का आदमी पहली बार ऐसा जब आ रहा है और पूरा बदन हिल रहा है, घर वालों को लगता है कि पैरालिसिस है, हमको लगता है कि भाई फिट जैसा है। अच्छा, उसमें वो बातचीत कर रहा है, वो जब हिल रहा है तो बातचीत भी कर रहा है वो, फिर अभी करना क्या है। फिर उसने उसको बोला कि ठीक है, उसके पहले प्राथमिक ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और उसको जरा रिलैक्स करने के लिए कुछ दवाई देते हैं, जैसा रिलैक्स करेंगे उसको, हो सकता है कि एपिलेप्सी टाइप तो नहीं है मगर होश था, तभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट निकालने के लिए हमने उसको एंटी एपिलेप्टिक का इंजेक्शन दे दिया, उसको ट्रैंक्विलाइजर दे दिया, उसको बना भी सुला दो, उसको आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि खाना नहीं खाया था 5-6 घंटे से, उसने आईवी फ्लूइड्स दे दिया, उसको आराम करने दिया। फिर आज सवेरे जब हम राउंड पे गए तो एकदम ही नॉर्मल था, फ्रेश, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उसको पूछा क्या हुआ, टेंशन क्या है, बोले कुछ नहीं है, चालू कैसे हुआ, ऐसे हुआ, कुछ बताने को तैयार नहीं है। और फिर जैसा मेरा राउंड खत्म हो गया तो आधे घंटे बाद में फिर हमारा स्टाफ दौड़ते दौड़ते आ गया कि भाई वो आदमी को फिर से वैसी झटका आ गया और वो पूरा बदन हिल रहा है। फिर हम उसके पास में गए तो उसका पूरा खलखल 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 पूरा हिल रहा है बदन, और उसको फिर हमने फिर ट्रैंक्विलाइजर दिया, सेडेटिव दिया, मगर वो कोई बताने को तैयार नहीं था। फिर हमने शाम को उसके पास में बैठे, उसको चर्चा किया क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मालूम पड़ा कि भाई अल्कोहलिक है, बीच बीच में काफ़ी शराब लेता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिससे पैसे उधार लिए थे वो लोग मंगने के लिए आए कल, और जैसे ही वो मंगने के लिए आए तो उसके वाइफ का, मतलब पत्नी का और इसका बहुत झगड़ा हो गया कि ऐसे घर पे लोग मंगने आते हैं ठीक नहीं है। फिर ये उसकी वो चिल्लाने लगी, वो बाहर के लोग खड़े हैं कि भाई हमारा पैसा वापस दे दो, उसमें उसका ये फटाक से उसको अटैक आ गया। जैसे अटैक आ गया फिर दौड़ धूप शुरू हो गई इधर से उधर, उधर से इधर, वो लोग जो मांगने आए थे वो चले गए कि नहीं अभी इसको क्या हो गया, तो और वो जो सिचुएशन थी वो तो ओवरकम हो गई, और बाद में उसको हॉस्पिटल रात को 10 बजे लाए। फिर मैंने बोला भाई, उसको जब काउंसिलिंग किया तो उसको बोला कि भाई ये तरीका नहीं है, आप परिस्थिति से भाग के बाहर जा रहे हो, परिस्थिति भागो मत, अभी आपको उसका सामना करना पड़ेगा। जब अपनी जिंदगी पूरी धूमधाम चल रही है ना, बहुत ही स्टॉर्म चल रहा है, मतलब बहुत ही हंगामा हो रहा है अपनी जिंदगी में, और तभी भी हम कूल क्वाइट उसको कैसा, उसका कैसा सामना करेंगे और उसका कैसा मुकाबला करेंगे, वो हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपके ऊपर कर्जा तो है, आप शराब पी रहे, चलो अभी उसका इलाज करते हैं, तो पहले शराब का इलाज कर लो जो एडिक्शन है उसका। शराब का इलाज करेंगे नेचुरली आपके पैसे थोड़े जमा हो जाएंगे, आप जिनको पैसे लिए उनको प्रॉमिस करो कि आप कब तक पैसे लौटाने वाले हो, उनको चेक दे दो, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का चेक दे दो, बात का बोला मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, मैं तकलीफ मत दो, काम करना चालू करो। शराब के लिए दवाई लो, शराब के लिए जैसा हम डायसल्फिराम देते हैं, उसको मैंने एनरोल किया कि डायसल्फिराम की दवा ले लो। डायसल्फिराम की दवाई आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो बताया हुआ है कि डायसल्फिराम लेने से होता कुछ नहीं है, मगर जब आदमी उसके ऊपर शराब पीता है तो बहुत जोर से रिएक्शन आती है उसको, और फिर वो डर के मारे वो शराब लेता नहीं है। तो उसको डायसल्फिराम लेने के लिए मैंने बोला, काउंसिलिंग के लिए आने के लिए बोला, उसको भी अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की संगठना है, संस्था है, उसको मैंने वो ज्वाइन करने के लिए बोला कि AA ज्वाइन करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस, तो उसमें उसको आपको साइकोथेरेपी मिलती जाएंगी और आपका जो सोर्स है वो ठीक करो ताकि हिलना बंद हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद में उसने बोला ठीक है अभी मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। उसने फिर शाम के बाद में फिर ये सब बात होती होने के बाद उसने डिस्चार्ज लिया और अभी पेशेंट अच्छा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।